नमस्कार। ऑर्गन और बॉडी डोनेशन के एक नेशनल कॉन्क्लेव के सिलसिले में हम अब जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में है, और हमारे साथ जो अतिथि है वो है श्रीकांत आप्टे जी, जिनको लोग प्यार से काका बुलाते हैं, आप्टे काका। आप्टे काका को स्वागत है। आप्टे काका लास्ट 10 साल में से वो कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन, टिश्यू डोनेशन और बॉडी डोनेशन के काम कर रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो आप्टे काका से हम जानना चाहेंगे कि उनका जर्नी कैसे रहा, 10 साल से कैसे वो प्रभावित हुए ये काम करने के लिए। धन्यवाद। मैं बैंक में मैनेजर, सीनियर मैनेजर था, तो ये हेल्थ केयर से हमें कुछ जानकारी नहीं थी। रिटायरमेंट के बाद हमने सोचा भगवान ने अभी बहुत कुछ हमें दिया है, तो इट इज आवर टर्न नाउ टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो क्या काम करना चाहिए वो ढूंढ रहा था। वैसे मैं अधिवक्ता भी हूं, मैंने कस्टमर केयर में, कस्टमर सर्विसेज में या कस्टमर राइट्स में दिल्ली तक केसेस की है, लेकिन बाद में सोचा ये हर दिन जज के सामने भागदौड़ करना कोर्ट में, उससे बजाय और कुछ अच्छा काम होगा तो क्या करेंगे। तभी एक संगोष्ठी में गया जहां पे बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन का काम के बारे में संगोष्ठी थी। तभी मैंने देखा ये चीजों में लोगों को जानकारी ही नहीं है और यहाँ काम करने वालों की बहुत कमी है, इसलिए हमने सोचा चलो यही काम कर देंगे। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं आप अभी? हम दोनों भी, पहले बॉडी डोनेशन के लिए प्रबोधन करते हैं और उसके साथ में ही, बॉडी डोनेशन के साथ में आता है स्किन डोनेशन और आई डोनेशन। अब तक का ये बताइए, आप शुरू कैसे किए ये बॉडी डोनेशन का काम? जब ये हमने सोचा हम ये काम कर देंगे, तो पहले मुंबई में ऑर्गन डोनेशन के बारे में ऐसे बहुत कुछ लगता था, अट्रैक्शन लगता था। तो ऑर्गन डोनेशन के सबसे जाने माने वहां पे एक समन्वयक है, उनको मिलने को गया। वो वहां ZTCC है, उनकी सेक्रेटरी थी, तो उनसे सब जानकारी ले ली। उसके बाद बॉडी डोनेशन का काम दधीचि देहदान संस्था करके डोंबिवली में है, उनके सेक्रेटरी से मिला, उनसे जानकारी ले ली। बहुत सारे उसके ऊपर जो कुछ आर्टिकल्स थे वो पढ़ लिए और एक प्रश्नावली निकाली जो मुझे जानकारी उसमें चाहिए थी, मुझे वो क्लियरिटी नहीं आ गई। और उसके बाद मैंने जेजे अस्पताल के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के इंचार्ज से बात की, ये सोचा चलो ये जानकारी उन्हीं से ले लेंगे जो अधिकृत और सही बात बता सकेंगे। तो उनसे फोन पे बात की और हमने सिर्फ मुलाकात के लिए समय मांगा था। उन्होंने बताया अरे मैं प्रोफेसर हूं, आपको क्या पूछना चाहिए अभी भी पूछ सकते हो, उसके लिए कोई मिलने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास प्रश्न तैयार है, जो आपको कठिनाई जानकारी चाहिए वो तैयार है? मैंने बोला हाँ सर, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ पिछले 15 दिनों से, और मेरे कुछ 10 सवाल है, उसके मुझे जानकारी चाहिए। तो बोले शूट, इमीडिएट फोन पे ऊपर ही मैं बात कर देता हूँ सब। तो सब पहले मैंने पूछा कि जब भी आदमी की मौत होती है तो हम सीनियर उनके साथ अंत्यविधि के लिए जाते हैं, तो पहले म्यूनिसिपैलिटी का वहां पे एक काउंटर होता है, वहां पे हम इतना तो देखते हैं कि नाम बराबर लिखा है कि नहीं, क्योंकि उसके ऊपर डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार होगा, तो वो नाम बराबर लिखा होगा तो बाद में तकलीफ नहीं आती। तो बोले, लेकिन मैंने बोला कि अगर हमने बॉडी डोनेट कर दी तो यह सर्टिफिकेट कौन देगा, उनको कैसे पता चलेगा? तो बोले बहुत अच्छा आपने स्टडी किया है, क्योंकि यह सवाल मुझे भी पहले जब भी काम करना चालू किया तभी आया था, क्योंकि
जेजे अस्पताल से पहले ये काम शुरू हो गया, तो म्यूनसिपालिटी से हमने बात की, भाई हमने बॉडी ले ली तो आप सर्टिफिकेट कैसा दे दोगे, और वो सब अभी प्रोसीजर कंफर्म हो गई है, और उनसे पूरी जानकारी ले ली। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि स्किन डोनेशन कैसे होता है? स्किन डोनेशन लोगों को पता नहीं है कि उससे किसी की जान बचा सकते हैं। लोगों को अभी तक ऐसे लगता है स्किन डोनेशन का सवाल आ गया तो उनको लगता है जैसे दुकान में मुर्गी का खाल निकाल के रखे होती है ना, वैसे कुछ होता होगा, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं। जैसे हम नए जूते पहनते हैं तो एक ब्लिस्टर आ जाती है, ब्लिस्टर के अंदर तो खून नहीं रहता, सिर्फ पानी रहता है, अब पतला सा स्किन उसके ऊपर रहता है, और उतना ही स्किन 0.3 mm थिकनेस का स्किन डोनेशन में लिया जाता है, खून का एक बूंद भी नहीं आता, वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन से अपने पीठ और थाइस वहीं से स्किन ली जाती है, तो किसी को पता भी नहीं लगता कि स्किन डोनेट हो गई है। कितना समय लगता है निकालने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट, और वो भी टीम अपने घर आती है स्किन बैंक की, और 40 मिनटों में काम पूरा कंप्लीट कर देती है, बाद में पूरे कपड़े पहना देती है, तो किसी को पता भी नहीं लगता कि भाई स्किन डोनेशन हो गया। और कॉर्निया डोनेशन आप लोग कैसे करते हैं? उसके लिए भी नजदीकी जो आई बैंक होगी उनसे कांटेक्ट किया जाता है, अगर रिश्तेदारों ने सम्मति दी होगी डोनेशन के लिए तो हम उनको बुलाते हैं, वो अपने घर आते हैं, और वहां पे वैसे ही 40 मिनट में सर्जरी से कॉर्निया निकाल लेते हैं। आवश्यकता सिर्फ कॉर्निया की होती है, लेकिन अगर डेड बॉडी को जमीन पे रखा होगा तो ये सर्जिकल ऑपरेशन कैसे होगा? सर्जरी के लिए तो ऑपरेशन टेबल होता है, तो फिर भी हमारे डॉक्टर्स नीचे जमीन पे बैठ के ये काम कर लेते हैं, लेकिन तभी टोटल आईबॉल निकालना होता है, क्यों अब वो लेबोरेटरी में जाके कॉर्निया निकालते हैं, और नहीं तो सिर्फ कॉर्निया भी अच्छी जगह मिलेगी टेबल के ऊपर, तो सिर्फ कॉर्निया भी डोनेट किया जा सकता है, रिट्रीवल किया जा सकता है। अच्छा, आप लोग जो करते हैं बॉडी डोनेशन, देहदान जो करते हैं, उसमें समस्या क्या क्या आती है? अभी तक हमने बात की स्किन डोनेशन और आई डोनेशन की। हाँ जी। उसका उपयोग मरीज के ऊपर इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन बॉडी डोनेशन या देहदान में वैसे नहीं है, वो सिर्फ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए किया जाता है, वो मेडिकल स्टूडेंट्स के। जब तक डॉक्टर जो नए सीखने वाले हैं उनको आदमी के बॉडी के अंदर सिस्टम्स कैसे है, जिनका घर में डेथ होता है वही लोग लेके जाते हैं देहदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज को? मुंबई छोड़ के, यानी बड़े सिटी छोड़ के जहां पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, बाकी जगह जो स्किन बैंक होगा या आई बैंक होगा या मेडिकल कॉलेज जहां पे हम बॉडी डोनेट करते हैं, वो अपनी ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करा के देते हैं, लेकिन मुंबई में ट्रैफिक जाम होने के वजह से अगर अस्पताल को ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है तो दुगुना समय लगेगा, उसके लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं आप बॉडी को मेडिकल कॉलेज तक लेके आना है, और बाद में जो कुछ ट्रांसपोर्ट का चार्ज होगा वो भी रिइंबर्स कर देंगे। अच्छा, आप अब तक कितने किए हैं बॉडी डोनेशन? 50 से ज्यादा हमने बॉडी डोनेशन अब तक समन्वयन किया है। कल के ही दिन, एक ही दिन में हमने 2 बॉडी डोनेशन समन्वयन किए। उसमें मुसीबत क्या होता है अभी ऑर्गेनाइजर के लिए, जैसे लोगों को मोटिवेशन में, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या समस्याएं आपको झेलना पड़ता है? ये सब जो दान है, देहदान है, त्वचा दान है, नेत्रदान है, उसके लिए पहली आवश्यकता होती है कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट की, जो डॉक्टर दे देते हैं, जो ट्रीटमेंट करने वाले या फैमिली डॉक्टर। जब तक वो नहीं मिलता आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ के ऊपर अगर हम
वो जो केस है वो ले सकते हैं कि नहीं, वो उसके ऊपर निर्भर होता है। ऐसी कई कॉजेस होते हैं जहां पे हम दान नहीं स्वीकार कर सकते। अच्छा, आगे आपका क्या योजना है इस काम को लेकर, माने स्किन डोनेशन, टिश्यू डोनेशन या बॉडी डोनेशन को लेकर आगे आपका क्या योजना है? अभी तो ये सब जानकारी मिलने के बाद हमने ऐसे सोचा कि नॉर्मल मौत के बाद तो ये तीनों चीज हो जाती है, लेकिन एक्सीडेंटल मौत होगा, कैजुअल्टी में लेके गए होंगे, और पोस्टमार्टम अगर डॉक्टर ने पुलिस के कानून के अनुसार पोस्टमार्टम की आवश्यकता होगी तो उसी भी समय हम स्किन डोनेशन और आई डोनेशन ले सकते हैं। किंतु जब भी आदमी की मौत हो जाती है पुलिस के परमिशन के बिना कुछ भी काम हम नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर हमारा अभी काम शुरुआत है। एक अस्पताल हमने ढूंढ निकाला है जहां पे सालाना कम से कम 1000 लोगों की पोस्टमार्टम की जाती है। अच्छा। तो सोचते हैं वहां पे हम काउंसिलिंग करेंगे, लोगों को समझा देंगे भाई अपना तो सगा अपना तो चल बसा है, लेकिन क्यों ना उसे हम नेत्र या त्वचा के रूप में उनकी जानकारी हम याद रखेंगे, साथ में रखेंगे। तो ये काम अगर 5% भी हमने सक्सेस किया तो बहुत कुछ हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके काका जी, भगवान आपका भला करे और आप बहुत आगे जाइए इस काम को लेकर, और बहुत बहुत लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को आप अवेयरनेस दें, यही हमारा कामना है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।